सामाजिक एवं धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां होती है। साथियों, विषय बहुत बड़ा है, गहन है, सोचने वाला है, लेकिन बामसेब ने यह सोचा, ये अनुभव किया कि हमारा समाज ना तो सामाजिक बात में कुछ सोचता है, ना धार्मिक बातों में कुछ योगदान देता है। सामाजिक लगाव हमारा नहीं है, सामाजिक काम हम नहीं करते हैं, धर्म के लिए भी कोई काम, खास काम नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें राजनीतिक फल मिले। साथियों, बाबा साहब ने लिख के रखा है, जब तक सामाजिक एवं धार्मिक क्रांतियां नहीं होती तब तक राजकीय क्रांति नहीं हो सकती। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि इस देश में हमारी कहीं पर भी सत्ता नहीं है। इसलिए हमें ये सोचना जरूरी है, जो मार्गदर्शन हमें बाबा साहब ने किया है उसकी रास्ते पर चलना, उसका अमल करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तभी हम हमारे इष्ट जो हमने चाहा है, हमें सत्ता अगर स्थापित करना है तो पहले सामाजिक और धार्मिक विषय पे हमें काम करना जरूरी है। ये विषय लेकर हम भारत भर में काम कर रहे हैं, तो उसका इसी विषय के साथ हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस विषय का प्रस्तावना, इसके विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी डिटेल्स में, विस्तृत में आपको मिलेगी स्टेज से। मैं इसकी प्रस्तावना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे बामसेब के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय मिश्री लाल जी। बामसेफ बुद्धिजीवी संगठन है और समय समय पर देश की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वर्ष अब एक विषय का चयन करती है और उसी विषय पर पूरे देश में संगोष्ठियां, जिला अधिवेशन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बामसेब की ये हमेशा से कोशिश रही है कि हमारा जो विषय हो ऐसा विषय हो कि जिसका मैसेज समाज में, बहुजन समाज के लिए अच्छा जाए। तो साथियों, आज जो बामसेफ ने जो इस विषय का सब्जेक्ट रखा है, तो आज के परिवेश में इधर आप लोगों ने भी देखा होगा, तमाम टीवी चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से भी, कि लोग सामाजिक व्यवस्था को या सामाजिक आंदोलन को दरकिनार करके उधर राजनीतिक आंदोलन को ही अपना जो है, या राजनीतिक सफलता को ही अपना जो है वो अपना उद्देश्य बना लेते हैं कि हम, अगर मुझे राजनीतिक सफलता मिल गई तो हम राजनीतिक सफलता से ही सारा जो है सब कुछ हासिल कर लेंगे, सामाजिक परिवर्तन भी कर लेंगे, और राजनीतिक सफलता मिलेगी तो राजनीतिक परिवर्तन तो होगा ही। साथियों, इस परिवेश में यह विषय रखा गया है और यह विषय ऐसे ही नहीं, बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का बीज नाशक, क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि ये अपना समाज समता समानता बंधुत्व वाला समाज हो, जात विहीन समाज हो और जो व्यवस्था या जो लोग हमको हजारों हजारों साल तक गुलाम बनाए रखना चाहते, उन्होंने वो 6000 से ज्यादा, लगभग 6000 जातियों में इस समाज को बांटा और उनकी लगातार ये प्रयास है कि ये समाज हजारों हजारों वर्षों तक कैसे गुलाम बना रहे,
इसके लिए उस उन्होंने तमाम जो है धार्मिक आयोजन 365 दिन में 400 त्योहारों का वो आयोजन करते रहते हैं और अपना समाज अपना हित अहित ना सोच करके वो उसी के पीछे भागा चला जाता है। तो साथियों, ये जो विषय है कि सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक, ये तीन ये क्रांतियां हैं। समाज साथियों, पहले तो यह स्पष्ट करना है कि क्रांति क्यों होती है, आखिर ऐसी क्या नौबत आती है, ऐसी क्या बात आती है कि आदमी जो है को क्रांति करने पर मजबूर होना पड़ता है, और फिर उसमें सामाजिक। तो साथियों, जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था जो सबके हित की नहीं होती है, पक्षपातपूर्ण होती है, कर्मी गैर बराबरी पर आधारित होती है, तो उससे जो लोग शोषित पीड़ित होते हैं, जो सताए जाते हैं, जिनके अधिकारों का हनन होता है, वो लोग सामाजिक क्रांति करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हमको भी अपना अधिकार, अपना हक और मान सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था वो भी यही था कि इंसान का मूल्यांकन इंसान के रूप में हो, उसका मूल्यांकन जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है, जब तक जातियां रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि जो है जात, जब तक जातियां रहेंगी तब तक जो है इंसान को जात के रूप में ही देखा जाएगा। धार्मिक क्रांतियां, जब कोई धर्म जिसपे ज्यादा लोग जो है कोई ना कोई जो भी लोग हैं किसी ना किसी धर्म से तो जुड़े ही हैं, जब कोई ऐसा धर्म जो सबके हित की बात ना करता हो, किसी व्यक्ति जात विशेष बड़ विशेष के लिए काम करता हो और उसके जो जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, वो भी उसी व्यवस्था को, कर्मिक गैर बराबरी के व्यवस्था को या वो धर्म के रूप में मानने पर बाध्य करती हैं, तो साथियों उस धर्म में जो लोग उससे पीड़ित होते हैं, जिनको मान सम्मान नहीं मिलता है, जैसे आज जो बड़ व्यवस्था बनी, बड़ व्यवस्था में जो शूद्र समाज है, जो 85% समाज है, उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वो कर्मिक गैर बराबरी की व्यवस्था का शिकार होता है, जो हो रहा है। सामाजिक रूप में सबसे ज्यादा धार्मिक और राजनीतिक भी होता है, और जब ये तीनों रहता है तो आर्थिक तो अपने आप हो ही जाता है। तो जो धार्मिक व्यवस्था है उसके लिए जो है धार्मिक आंदोलन के माध्यम से जो है, तो साथियों जो बाबा साहब ने ये कहा कि इतिहास इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीतिक क्रांतियों से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां हुई हैं, वो अपने ही देश में नहीं, यहां भी हुई, उधर महाराष्ट्र में अपने लोगों के बीच प्रतीक का चिन्ह, जो आगे गले में हांडी पीछे झाड़ू, ये जो अपमान वाला चीज जो था उसके लिए भी तथा जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया और उनके गले से हांडी और पीछे से झाड़ू हटाने का काम किया। तथागत बुद्ध ने धार्मिक और सामाजिक दोनों आंदोलन चलाए, क्योंकि उनका जो आंदोलन था, जो उनका धम्म है, वो पूर्णतया करुणामयी है, मानव कल्याण के लिए है और सबके लिए है। तो तथागत बुद्ध ने भी सामाजिक और धार्मिक दोनों आंदोलन साथ साथ चलाए,
दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने उधर द्रविड़ आंदोलन चलाया और इस प्रकार अपने ही देश में, और बाबा साहब ने तो 1916 से लेकर के 1956 तक का अंत तक इन सारी जो कर्मिक गैर बराबरी की व्यवस्था थी वो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे शैक्षिक स्तर पे, उसको मिटाने के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहे। पूज्य भिक्खु प्रज्ञादीप जी, ये शरीर है और शरीर का अंग कोई अगर कमजोर हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से समाज में अगर हम किसी को अगर नीचे के दृष्टिकोण से देखते हैं या हम ये कहते हैं कि तुम कमज़ोर हो, भले ही वो स्वस्थ हो, लेकिन अगर हम इंटेंशन से कहते हैं कि तुम कमज़ोर हो तो समाज में जो योगदान होना चाहिए वो योगदान वो नहीं हो पाएगा, वो समाज त्रस्त रहेगा। तो भारत में जो गरीबी या भूखमरी या जो है आपको अव्यवस्था, उसका जो मूल कारण है समाज को सम रूप से न देखने का, और समाज को सम रूप से न देखने के कारण ही आज भी हम वैसे ही बात करते हैं जैसे 50 साल पहले या 100 साल पहले करते थे। तो आज का ये विषय है वो विषय भारत के जो मूल संरचनाएं हैं उसमें जो कमियां जो है उन कमियों को इंगित करता है। और बाबा साहेब का आना और फिर बुद्ध का आना, जो आंदोलन जो विचार इन्होंने जो दिया वो पूर्ण रूप से समाज को स्वस्थ बनाने की ओर इंगित किया है और किया है। और ऐसे समाज की रचना हुई, ऐसे समाज की रचना हुई कि ये भारत अपने आप में बहुत ही मजबूत हो गया। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, आज भले ही स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हो लेकिन इन क्रांतियों के बाद, इन सामाजिक संरचनाओं के जो विरोध में जो बुद्ध ने जो उपदेश दिया और जो धार्मिक क्रांतियां शुरू हुई, सामाजिक क्रांति शुरू हुई, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे उस क्रांति के बाद नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और फ्लाइंग सिटी का एक भी नाम आता है, इन सब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जहां विधिवत हर विषय की पढ़ाई होती थी और देश विदेश से लोग यहां पर आकर के पढ़ने लगे। ये कभी कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और लेकिन हुआ। और उसी का प्रभाव है, इस धरती का प्रभाव है। ये धरती के प्रभाव के कारण आज विश्व में जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं इस धरती को नमन करने के लिए तरसते हैं, यहाँ की मिट्टी को पाने के लिए तरसते हैं, एक बोधी का पत्ता हमें मिल जाए उसके लिए तरसते हैं। ये पूर्ण रूप से ये दर्शाता है कि इसकी आवश्यकता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। और कभी कोई भी जो विचार है उस विचार को धीमा नहीं पड़ने देना चाहिए, चिराग हमेशा जलाते रहना चाहिए। अगर समाज हम कुछ समय के लिए जाग जाते हैं और फिर सो जाते हैं तो फिर वहीं चला जाएगा, इसलिए हमेशा जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में एक बोधि वृक्ष के नीचे, क्योंकि उद्घाटन भाषण इसे ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे लेकिन बड़ा ही हमें आकर्षित करता है, वो बोधि वृक्ष के नीचे एक चरवाहा जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में जब निकले थे तो उस समय एक चरवाहे से मुलाकात हुई थी, उसका नाम था स्वास्ती। और कहानी तो लंबी है, उस लंबी कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो अंत में स्वास्ती से उन्होंने पूछा
कि यहाँ पर कोई स्थल है, तो शास्त्री ने बताया कि हाँ यहाँ पर एक स्थल है और मुझे वो स्थल बहुत ही रमणीक लगता है। मैं तो चरवाहा का लड़का हूँ और चराते चराते जब मैं थक जाता हूँ तो उसी स्थल पर जाकर के मैं विश्राम करता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा चलो मुझे दिखाओ, और यही बोधि वृक्ष के पास वो शास्त्री लाया। लाने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने कहा या मैं अंतिम प्रयास करूँगा। और उसके बाद शास्त्री बोलते हैं कि मैं एक चरवाहा का लड़का हूँ, मैं जानता हूँ कि कहाँ पर कोमल कोमल घास मिलता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे ये काम करने की अनुमति दें। तो सिद्धार्थ गौतम ने मौन से उसे अनुमति दी और जा करके वो कोमल कोमल घास गमछा में बांध करके लाया और ला करके स्वयं ही बिछा करके तीन बार प्रदक्षिणा करके वो चले गए। और फिर उसी दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हुई ये बुद्ध हो गए। उस समय सुजाता खीर खिला चुकी थी, सुजाता भी रोज आती थी और देखती थी कि ध्यान मग्न है, वो भी चली जाती थी। स्वास्थ्य भी भैंस चराते हुए रोज आता था, वो भी देखता था कि ध्यान में है, वो भी चले जाते थे। 49 दिनों के बाद जब बुद्ध सामान्य हुए तब तीनों की मुलाकात होती है। उसमें सुजाता ये बोलती है कि मैं आपको भोजन दान देना चाहती हूँ। स्वास्थ्य भी उसमें था, सुजाता अपना बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वो लाती है और तीनों बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठे होते हैं। बुद्ध ऊपर बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य नीचे और सुजाता भी नीचे है। तो सुजाता अपना जो स्वादिष्ट भोजन है वो खोलती है और देने का जो उपक्रम है दान का, उस प्रक्रिया को अपनाती है, लेकिन बुद्धि की दृष्टि स्वास्थ्य की तरफ जाती है। स्वास्थ्य की तरफ जाती है तो स्वास्थ्य को ये कहते हैं कि सुजाता तो दे रही है, तुम भी तो दो। अब वो तो चरवाहा का लड़का था, वो गमछा में बांध कर चना चमेना रखता था वो। अब सोचा कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, लेकिन ये बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हारे पास में है। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा घबरा जाता है सामाजिक संरचनाओं के कारण कि अगर मैं अपना भोजन उन्हें दूंगा तो हो सकता है कि हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाए। लेकिन सुजाता बहुत कुछ समझ चुकी थी, सुजाता अपना मुस्कान उस पर बिखेरती है और कहती है कि स्वास्थ्य तुम्हारे पास जो पोटली में है उसे तुम निकालो, उसे दो। तो पोटली में से वही चना चमेरा जो निकलता है उसे वो अर्पित करता है। पहला अर्पित जो स्वास्थ्य के द्वारा होता है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, सुजाता का नहीं लेते हैं, स्वास्थ्य का लेते हैं। तीन के बीच में घटना ही है। तो फिर उसके बाद जो सुजाता अपना भोजन अर्पित करती है, भोजन शुरू करने में स्वास्थ्य का जो चना चबेना है उसको वो पहले ग्रहण करते हैं। उस समय स्वास्थ्य को पसीना आ जाता है कि हो सकता है कि हमें दंड मिले, लेकिन मंद मंद मुस्कान जो है आपको सुजाता की स्वास्थ्य पर पड़ती है। फिर स्वास्थ्य सामान्य हो जाता है, फिर जो है आपको सुजाता का भोजन वो स्वीकार करते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है, जो बचा हुआ जो भाग है, वो बचा हुआ भाग आज भी बौद्ध देश में परंपरा है कि वो भोजन देने के बाद जो है उपासक लोग भोजन करते हैं, तो वो जो भोजन जो बचा हुआ था उसको सुजाता को न दे करके स्वास्थ्य को देते हैं। और स्वास्थ्य वहाँ भी घबरा जाता है, सामाजिक संरचना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। घबरा जाता है कि मुझे दे रहे हैं, पहले सुजाता को देना चाहिए। तो सुजाता कहती है कि नहीं, पहले तुम ही ग्रहण करो। तो स्वास्थ्य उसे ग्रहण करता है, फिर उसके बाद जो वो भोजन फिर आपको सुजाता वो ग्रहण करती है। ये दृष्टांत, ये तीन के बीच में घटना है। भविष्य का समाज कैसा होगा, भारत का समाज कैसा होगा, ये रचना, ये दृष्टि इसी बोधि वृक्ष के नीचे रच दी गई थी, जो कि आज उसी पर ये समाज खड़ा होकर करके नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, विक्रमशिला बनाया और कितनी भी बहुत से बड़े बड़े आविष्कार हुए। तो ये दर्शाता है कि जब तक समाज के अंदर में
जो बुराइयां हैं उनको हम जब तक दूर नहीं करते, समाज का जो प्रत्येक अंग है जब तक स्वस्थ नहीं होता है, तब तक और भी बात करना बेईमानी है। माननीय अतरवी सिंह जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि बहुजन समाज इस देश में एससी एसटी ओबीसी जिसकी बाम से रहनुमाई करती है, उसका देश के संविधान के 78 वर्ष लागू होने के बावजूद भी उसको जो मानवीय मूल्य मिलने चाहिए थे वो आज भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमको उसकी विवेचना करनी पड़ेगी। और उसकी जब विवेचना करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि हमको ये जो मानवीय मूल्य मिलने चाहिए ये क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका बेस है इस देश की जातिवादी व्यवस्था, कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम। और इस कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम को उखाड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हमारे सामने एक पुस्तक नहीं एक ग्रंथ हमारे सामने दिया, जो हमें बार बार एक गाइडलाइन देता है कि इस देश की जातिवादी व्यवस्था को कैसे नष्ट करना है। अगर हम जब तक इस देश की कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश में जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसके लिए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति इस देश की जो सोशल सिस्टम है उसमें क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसका जो मूल्यांकन है उसके जन्म के आधार पर होता है। जो व्यक्ति जिसने जिस भी जाति में जिस समाज में जन्म लिया हुआ है, वो व्यक्ति कितनी भी बड़ी पोस्ट पर चाहे देश का राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, उसको उस जाति से ज़्यादा सम्मान नहीं मिल सकता। साथियों, अभी हमारे सामने दो तीन एग्जाम्पल भी आए, देश का राष्ट्रपति जब पुष्कर मंदिर में जाता है तो उस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसको सीढ़ियों पर ही पूजा करनी पड़ती है, जिसको फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारे देश के लोग, बहुत सारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी राजनीति की बात करते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर से बड़ी पोस्ट देश के राष्ट्रपति की होती है, वो देश का मालिक होता है, लेकिन उसके साथ इस तरह का बिहेवियर होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। जब वो उधर जगन्नाथपुरी में जाता है तो अंदर चला जाता है, उसके साथ धक्का मुक्की होती है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं होता। साथियों, इस देश का ये हमारा मूल्यांकन सिस्टम है, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी इस बात में दौड़ में लगे हुए हैं कि शायद हम मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री, हम मंत्री संतरी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, चीफ सेक्रेटरी बन जाएं, तो शायद हम इस देश में हमारा जो मूल्यांकन है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा। साथियों, इस भ्रम में, और इस भ्रम का कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और तथागत बुद्धा को कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, उनको समझा नहीं है। इसीलिए साथियों, जब बामसेफ ने ये निर्णय लिया कि ये हम सब्जेक्ट इसके ऊपर रखेंगे, मैंने इसके ऊपर एक पेपर भी निकाला था, पेपर हमारे पूरे देश में सेमिनार हर जिले लेवल पर हमने की थी, वो पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट किया, शायद आप लोगों के बीच में होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम कोई किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश की सामाजिक व्यवस्था को इस धर्म के कंट्रोल से कैसे निकाला जाए और इसके ऊपर किस तरह का कंट्रोल है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जब हम आकलन करते हैं तो देखते हैं कि देश की, किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था को धर्म किस तरह से कंट्रोल करता है। और जब तक हम उन विषयों के ऊपर पूरी स्टडी नहीं करेंगे, उनको आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये डिसीजन ऐसे नहीं लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारे देशों की स्टडी की, बहुत सारे देश के संविधानों की स्टडी की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा आज तक कोई भी उनके टाइम में भी नहीं था, और आज तक कोई भी इतना लर्न्ड आदमी नहीं हुआ, इतना विद्वान आदमी नहीं हुआ है। तो हम उनको चैलेंज करने की बात करते हैं बहुत सारे हमारे साथी, लेकिन बामसेब ने इस समय इस सब्जेक्ट को लेकर के एक दिशा देने का काम किया साथियों, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इतिहास इस बात का गवाह है कि सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। यह हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोटेशंस अलग अलग समय पर उन्होंने दिए हैं, उनको यूज करते अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपना कहां उनको फायदा होता है
उसको यूज करते हैं। मेरे साथी अभी मिसी लाल जी लास्ट में बोल के गए थे, बहुत सारे साथी ये बात कहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग पॉलिटिकल एरिया के लोग कहें कोई बात नहीं, क्योंकि उनका हित इससे जुड़ा हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच ओपन ईच एंड एवरी लॉक, कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर एक ताला खोला जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में जो सोशल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं लोग, इस देश में सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, लेकिन वो लोग भी राजनेता नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में एक मुहिम चलाई हुई है कि इस देश में पॉलिटिकल पावर हमने लेनी है। साथियों अभी हमारे सामने बहुत बड़ी एक विपरीत स्थिति खड़ी हुई है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कास्ट इज द क्रिएशन ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पैदाइश है जाति, और बाबा साहब इधर कह रहे हैं कि धर्म और सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति नहीं होती, और उधर कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि जाति धर्म की पैदाइश है। तो अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि जाति को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें हिंदू धर्म को खत्म करना पड़ेगा, हिंदू धर्म के, क्योंकि हिंदू धर्म ने उसको कंट्रोल किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का जो बेस है वो उसके धार्मिक ग्रंथ हैं, और जब क्योंकि हमारे लोग तो आते हैं जन्म लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन वो जो ग्रंथ हैं जिन ग्रंथ का आचरण लोग कर रहे हैं, समाज के अंदर सोसाइटी आचरण कर रही है, और वो आचरण को अगर बदलना है तो सबसे पहले हमें उस धर्म ग्रंथों को खत्म करना पड़ेगा, डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। लेकिन हमारी आस्था, जब हम संविधान की बात करते हैं तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक फंडामेंटल राइट की बात की है। फंडामेंटल राइट जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट प्योरली हैं। 29-30 धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 14 से पहले आर्टिकल 12 और 13 है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट तब होंगे जब आर्टिकल 13 लागू होगा। और आर्टिकल 13 क्या कहता है, बिफोर कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब क्या लिखे गए उसमें कि संविधान के लागू होने से पहले इस देश में जो भी मान्यताएं हैं, रूढ़ी हैं, प्रथा हैं, विधि हैं, अधिनियम हैं, आदेश हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी ऐसा कानून, कोई भी प्रथा जो हमारे फंडामेंटल राइट को लागू होने से रोकती है या उसको कम करती है, ऐसे सारे के सारे कानून नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं देश के संविधान के लागू होते ही। ये संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और 78 साल बीत गए, अभी जनवरी आने वाला है 26 जनवरी, तो इन 78 साल के बाद भी हमको फंडामेंटल राइट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि आर्टिकल 13 लागू ही नहीं हुआ। देखिए पॉलिटिकल पावर की बात मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि संविधान में यह आर्टिकल इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समाज के अंदर जिस समाज को उन फंडामेंटल राइट्स का फायदा होना चाहिए था, उस समाज के अंदर वो सारी रूढ़ी, सारी प्रथा, वो सारे अधिनियम विधिनियम उनके अंदर घर किए हुए, उनकी खुद की आस्था है, वो आस्था की वजह से वो सारे के सारे आज भी हम देखते हैं, अगर हम लीगली देखते हैं, संवैधानिक तौर पर देखते हैं, कानूनी तौर पर देखते हैं, तो हर इंसान बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन में, और सारे के सारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन और इक्वल, सभी बराबर हैं, सब में इक्वलिटी है, सबके अंदर ब्रदरहुड है, सब में भाईचारा है, सबके लिए न्याय बराबर है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल हो पाया है, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारी आस्था, मेरे साथी बता के गए, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा आपके सामने, हमारी आस्था उन गैर मानवीय विचारों वाली व्यवस्था में हमारी आस्था है।
असामाजिक तत्व जो असामाजिक कुरीतियां पैदा करने में हमारी आस्था है। साथियों, इस देश में आज भी महिलाओं के साथ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, लेकिन बलात्कार करने वाले को कभी घृणा नहीं होती, उसे हेट नहीं होती अपने आप से, लेकिन क्या होता है, उसको प्राउड होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुस्मृति में हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किसी भी महिला के साथ संभोग कर सकता है, संबंध बना सकता है, उसमें ये उसको लीगली राइट दिया गया है। क्षत्रिय को ब्राह्मण की महिला को छोड़ करके तीनों वर्णों के साथ कर सकता है रेप, और वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय की महिला को छोड़ करके दोनों वर्णों की महिलाओं के साथ कर सकता है। इसलिए उन रेपिस्टों को कभी भी रेप करते हुए उनको शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्राइम मानता है। ये हमारे लिए सोचने की बात है, और उस क्राइम से हम पीड़ित हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं, लेकिन हम उस धार्मिक व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, उससे हमारी आस्था है। जब तक हमारी आस्था उस व्यवस्था में रहेगी, गैर मानवीय व्यवस्था में जब तक हमारी आस्था रहेगी, हमारे साथ वो सारे अन्याय होते रहेंगे। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने ऐसे एग्जांपल इसलिए दिया है कि सबसे ज्यादा महिलाएं हमारी, उस उनकी आस्था सबसे ज्यादा इस व्यवस्था में है, हिंदूवादी में। अगर महिलाएं चाहें इस देश में, वो लिख देता है तुलसीदास, अपनी माँ को गाली दे रहा है, अपनी बहन को गाली दे रहा है, क्या कहता है, ढोल गमार और शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी उसकी मां माँ भी है जिससे पैदा हुआ है, वो अपनी माँ को गाली दे रहा है। अब आप सोच सकते हैं, नारी आज भी क्या कहता है कि उसके अंदर दिमाग नहीं होता, उसकी जो अकल है वो पीछे होती है। तुलसीदास कहता है, पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना, पूज्य न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। यानी ब्राह्मण गुणों से हीन है, दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी है, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। शूद्र कितना भी गुणों से प्रवीण हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन फिर भी वो पूजनीय नहीं है। साथियों, इस तरह की व्यवस्था इस देश में धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से मजबूत है। कभी भी इस देश में किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि हम इन धार्मिक ग्रंथों का बहिष्कार कर रहे हैं, हम इनको जला रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले आदमी थे, 25 दिसंबर 1927 को अभी गया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार मनुस्मृति जलाई। मनुस्मृति कोई पुस्तक की वजह से नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुस्तकों से इतना लगाव था, बहुत लगाव था। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मानी जाती है, लेकिन इतना बड़ा विद्वान आदमी किताब को जला रहा है, आप सोच सकते हैं, किताब नहीं थी वो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस दिन हमें एक आजादी का पैगाम दिया था कि मैं ऐसी व्यवस्था को, जो गैर मानवीय व्यवस्था है, जिसमें इंसान इंसान नहीं जानवर से भी बदतर समझा जाता है, मैं ऐसी व्यवस्था को नकार रहा हूं, उसको जला रहा हूं, उसकी तिलांजलि दे रहा हूं। लेकिन आज तक क्या हम 1927 का मैसेज ले पाए हैं? साथियों, क्यों नहीं ले पाए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सारी मेहनत बेकार चली गई। अभी आने वाला 1 जनवरी आने वाला है, 1 जनवरी 1818 को हम लोग किरकी के युद्ध की, भीमा कोरे गांव की चर्चा करते हैं, जहां पर मीडिया ने भी पिछले साल बड़ा चर्चा में बना दिया था। इतने हमारे बहादुर साथी उसमें भी, अभी बहुत सारे साथी उसमें शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं, 500 बहादुर साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने 28,500 पेशवाओं ब्राह्मणों की फौज को कत्लेआम कर दिया। बात क्या थी साथियों, क्योंकि वहां पर अभी मिसिलाजी बता के गए कि हमारे पूर्वजों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बंधा हुआ था। हमारे पूर्वज ने कहा, ब्राह्मणों से जहां पेशवा राज हुआ था कि भाई हमें इससे छुटकारा दे दो, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे आपके राज को बचाने के लिए।
लेकिन पेशवाओं ने कह दिया ब्राह्मणों ने कि ये धार्मिक मामला है, हम इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ऐसा, इसलिए आपको ऐसा आचरण करना ही पड़ेगा। और उसलिए फिर उन्होंने चैलेंज किया कि अगर आप हमारी हांडी और ये झाड़ू नहीं हटाते हैं तो फिर हम अंग्रेजों की तरफ से आपके खिलाफ लड़ेंगे। और हुआ ये कि पेशवाई शासन का अंत हुआ, यानी राजनैतिक क्रांति हुई, पेशवाओं का शासन खत्म हो गया, अंग्रेजों का शासन आ गया। लेकिन क्या हम वो हमारा झाड़ू और मटकी हटा? साथियों, नहीं, इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारी सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई नहीं थी। इसलिए राजनीतिक क्रांति जो हमारे पुरुषों की, हमारे पूर्वजों की जो इतनी बहादुरी और इतनी बड़ी जो क्रांति थी वो बेकार चली गई। इसलिए क्योंकि लोग, समाज उस धार्मिक क्रांति के लिए तैयार नहीं था, उसको स्वतः ही छोड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए वो सारी की सारी क्रांति हमारी बेकार चली गई। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विदेशों के एग्जाम्पल दिए, मेरे साथी ने बताया, रोम का इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि रोम की जो क्रांति हुई उसके बाद वहां पर एक डेमोक्रेटिक पैटर्न आ गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, और उस व्यवस्था में जैसे कि सिस्टम है, लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, वहां भी लोग जाने लगे। लेकिन वहां के जो मूल निवासी लोग थे, प्लीबियन बोलते हैं उनको, उन प्लीबियन का कोई भी वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा था जो पहले होता था। तो ये बात उन्होंने उसके लिए क्रांति की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया कि हमको भी हमारे इस डेमोक्रेटिक पैटर्न में हमारे भी प्रतिनिधि होने चाहिए, और वो प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको मौका दिया। अभी भी हमारे साथ ही बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट किया उससे सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमें मिला था वो खत्म हो गया, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा हूं। रोम के अंदर प्लीबियन को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिला कि आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का, सेपरेट प्रतिनिधि चुनने का आपको राइट है, आप अपने वोट से ही, कोई दूसरा वोट नहीं डालेगा उसमें, केवल आप ही अपना वोट डाल करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। और उनको ये राइट इतना बड़ा अच्छा राइट था कि उन्हें लगा कि आज से हमारी जो आने वाली जो समस्याएं हैं वो शायद हमारी खत्म हो जाएंगी, हमको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे जो रोम की गवर्निंग क्लास, जो हमारे यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, सेठ जी भट्ट जी, वहां भी यही गवर्निंग क्लास थी, शायद हमें मिल जाएंगे, बड़ी होप थी उनको। और हुआ भी ऐसा कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिला और चुना गया। लेकिन धार्मिक क्रांति नहीं थी, उस धार्मिक आस्था की वजह से, उस धार्मिक कट्टरता की वजह से, उस धर्म की वजह से क्या हुआ कि उनको सारे मिले हुए राइट्स खत्म हो गए। साथियों, कैसे हुए? क्योंकि वहां एक प्रथा थी कि कोई भी देवी, जो देवी होगी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाता था वो पहले देवी से अपनी परमिशन लेता था, और देवी बताती थी कि हाँ भाई ये व्यक्ति एक्सेप्टेबल है, ये समाज के लिए ठीक काम करेगा, ये देवी बताएगी। लेकिन देवी तो पत्थर तो कुछ बताता नहीं, वो पुजारी था, वो पुजारी गवर्निंग क्लास से था, वही श्रवण क्लास से पुजारी था, वो पुजारी बता देता था कि भाई ये जो व्यक्ति अपने प्लीबियन समाज के लिए ज्यादा कमिटेड था, ईमानदार था, वो देवी को पसंद नहीं, कह दिया भाई देवी को पसंद नहीं है। अब उनके अंदर ये, क्योंकि उनकी आस्था थी देवी में, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि को बदलना स्वीकार किया, जबकि अगर उनके अंदर वो धार्मिक कट्टरता नहीं होती, धार्मिक अंधविश्वास नहीं होता, तो वे कह सकते थे कि हमारा, क्योंकि ये हमारे समाज के लोगों ने चुना हुआ आदमी है, इसलिए ये हमारे लिए ईमानदार होगा, हमारे लिए कमिटेड होगा, देवी को पसंद हो ना हो लेकिन हमें पसंद है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव हमारा ही रहेगा। और उन्होंने क्या किया,
रिप्रेजेंटेटिव को बदलना स्वीकार कर लिया कि भाई रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा दे देते हैं, दूसरा दिया देखा ये भी समाज के लिए कमिटेड है वो हटा दो, तीसरा दे दो। स्थिति ये आ गई कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि, जो सदस्य हमारा समाज के लिए गद्दार और उनके लिए ज्यादा कमिटेड था वो देवी को पसंद था, क्योंकि पुजारी ने बोलना है। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है, समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं भारत में, इंडिया में धर्म, सामाजिक स्तर और धन, ये तीन साधन है सत्ता प्राप्ति के, बहुत बड़े ताकत हैं ये। धर्म, उसमें धर्म सबसे ज्यादा है। बाबा साहब कहते हैं साधु संत का प्रभुत्व मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा है। लोग मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं मानते, साधु संत जो नंगा घूमता है पंडा पुजारी उसके आदेश को मानते। अभी हमने देखा भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सबरीमाला कौन सा मंदिर है साउथ का, जिसमें महिलाओं को लेकर के विवाद था कि महिला, जिस महिला ने संसार का जन्म दिया है, इंसान को जन्म देने वाली माँ बेटी, वो उस मंदिर में नहीं जा सकती वो, क्योंकि अपवित्र है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट करता है। क्या हुआ कि वो संविधान का दिया हुआ डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का, किसी लोअर कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के कानून को भी उन्होंने तिलांजलि दे दी। किस लिए? क्योंकि धार्मिक क्रांति नहीं हुई, सामाजिक क्रांति नहीं हुई, इसलिए समाज उस चेंज के लिए, उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि जब तक सामाजिक और धार्मिक क्रांति नहीं होती तब तक राजनीतिक क्रांतियां नहीं होती। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की बात करते हैं। आरडी गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसका जान, जिसे कहते हैं कलेजा, हृदय, वो हृदय उद्घाटन सत्र में रखा गया था कि सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। सोशल और रिलीजियस जो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन का कार्य है वो रिलीजियस पॉइंट पर आता है। इस देश के अंदर जो ये गैर कर्मिक बराबरी की व्यवस्था बनी हुई है उसकी मूल में अगर जाएंगे, उसकी जड़ में अगर हम आप जाना चाहते हैं तो उसकी जड़ है हमारी धार्मिकता, जो धर्म रूपी हमारे अंदर बीज पीढ़ी दर पीढ़ी भरा गया है। इस देश के अंदर जो गैर कर्मिक बराबरी की व्यवस्था है उसको अक्षुण बनाए रखने में वो हमारा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है जिसमें ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, उसके पीछे हमारे धर्म का काम होता है। हम चाहे सीधे धर्म कहें या सांस्कृतिक व्यवस्था कहें, उस सांस्कृतिक व्यवस्था में, उस धर्म की व्यवस्था है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें उससे बाहर आने नहीं देता है। आज बामसेफ ने इस सब्जेक्ट को इसलिए चुना है कि उस व्यवस्था को कायम रखने में पुरुषों के से ज्यादा कहीं हमारे घर की महिलाएं हैं, क्योंकि बाबा साहब जो हमारे सैद्धांतिक प्रेरणा के स्रोत हैं, बामसेव जिन्हें प्रेरणा का स्रोत मानता है, महामना ज्योतिबाराव फुले जी और बाबा साहब को प्रेरणा स्रोत अपना मानता है। ज्योतिबाराव फुले जी ने जो उनके साथ घटना घटी उस घटना के घटने के बाद वो आंदोलित होते हैं, इजिटेट होते हैं अंतर्मन में,
और उनको जब ये पता चलता है कि इसके पीछे जो है इस देश के अंदर जो व्यवस्था जन्मों जन्मों से चली आ रही है, जो मेरे साथ घटना घटी है उसके लिए कहीं ना कहीं वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरे साथ वो भाव जुड़ा हुआ है। और इजिटेट होने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि हम जो ये गैर कर्मिक बराबरी की व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जिससे एक बहुत बड़ा समाज प्रभावित हो रहा है, इसे हमें खत्म करना है। और उन्होंने उसकी गहराई में जाकर के जब देखा तो उन्होंने नारा दिया कि बिना ज्ञान के मति गई, मत के बिना गति गई, गत के बिना वित्त गया, वित्त मेरे अज्ञानता के कारण, यानी मूल में शिक्षा हमारी जो है उसके लिए जो हमारे अंदर शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, उसका मूल कारण ज्ञान का ना होना है। और उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने उस काम को, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि महिलाएं ही उसकी भागीदार, महिलाएं ही उस व्यवस्था की पोषक हैं, सबसे पहले माता सावित्री बाई फुले को उन्होंने शिक्षित किया। और शिक्षित ही नहीं किया, उन्होंने उनको कहा कि महिलाओं को पढ़ाने का काम आपका होगा, महिलाओं को जागृत करने का, ज्ञान देने का काम आपका होगा। माता सावित्री बाई फुले को उन्होंने शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबाराव फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। आप सभी लोगों को ज्ञात है, उनके जीवन दर्शन को पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि सावित्री बाई फुले के साथ क्या क्या नहीं अन्याय किया व्यवस्थावादियों ने। वो इतना एक दिन टूट गई, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती इस काम को। ज्योतिबाराव फुले ने कहा कि नहीं, आपको ये काम करना ही होगा। और उन्होंने उपाय बताया कैसे करना है। माता सावित्री बाई फुले ने वो चीज किया। हम ये बात इसके लिए कह रहे हैं, वहां पर वो सांस्कृतिक उस जो गैर कर्मिक बराबरी की व्यवस्था बनी हुई थी उसको तोड़ने के लिए माता सावित्री बाई फुले के माध्यम से महिलाओं को जागृत करके और इस देश के अंदर जो गैर कर्मिक बराबरी की व्यवस्था थी उसको चैलेंज दिया। और चैलेंज देने के बाद उसी तरह से बाबा साहब ने जब लोगों को जागृत करने के लिए जा रहे थे तो महिलाओं की उन्होंने सभा बुलाई, उसमें महिलाओं की भागीदारी थी। बाबा साहब ने महिलाओं से कहा कि आपका बच्चा भी आईएएस पीसीएस हो सकता है। बाबा साहब ने क्या कहा, कहा आपका बच्चा भी आईपीएस आईएएस हो सकता है। जो आप अपना आधा तन खोले हुए हैं, आधा ढके हुए हैं, क्योंकि महिलाएं जेवर और आस्था के नाम पर दान करने की व्यवस्था जो है, बाबा साहब ने कहा ये हो सकता है, लेकिन उसको उससे निकालने के लिए बाबा साहब ने महिलाओं से वो जेवर दान करवा लिया था, वापस ले लिया था। और महिलाओं से कहा कि आपके घर में बच्चा पैदा होता आप कहते हो अपने मालिक से कि बेटा सर मालिक आपका नौकर आ गया है, आपका एक गुलाम आ गया है, आप उसको गुलाम कहने से बचो, उसको साहब कहो कि या साहब आपके सामने एक साहब पैदा हो गया है। व्यवस्थावादी क्या करता है, हमारे घरे कोई महिलाओं को हमारे आपके जाने से शायद उतना खुश नहीं होगा, लेकिन हमारे घर की महिलाएं जब उस मंदिर में जाती हैं जो गैर कर्मिक बराबरी व्यवस्था की अड्डा बना हुआ है, हमारे घर की महिलाएं वो चाहे शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, उनको उन मंदिरों से बड़ी आस्था है, उन भगवानों से बड़ी आस्था है। और जब माता जाती है तो उसके साथ में बच्चे जाते हैं, वहां का जब पुजारी बैठा हुआ है ये समझ रहा है कि कोई बात नहीं पुरुष नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी उपज आ रही है, ये उपज ही हमारी जो है कल की खेती होगी।
आप उन मंदिरों में उन देवी देवताओं से कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्रुव सत्य है। क्योंकि वो देवी देवता, एक बात आपको मैं आज इस मंच से बता रहा हूं कि इस देश के अंदर धन मूल है, वित्त मूल है, वो आपके धन को पहले डकैती डाल करके लेते थे, आज स्वेच्छा से आपको धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, भगवानों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर आपके धन का हरण किया जा रहा है। उस धन को आप बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, उन बच्चों को जो आज की व्यवस्था, जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में आपके चाहे जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हों उसमें ये दिखाया जा रहा है कि उन भगवानों के, झूठे भगवानों के सामने लोग सर मस्तक जोड़ते हैं, कहते हैं कि यही अगर चाहेगा तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप अपने बड़े से बड़े भाग्य को बदल सकते हो, कर्म के आधार पर बदल सकते हो, आपको कर्म करना पड़ेगा। और वो कर्म कैसे, जिसमें हमारा भी कल्याण समाहित हो, औरों का भी कल्याण समाहित हो, इस भाव के साथ हमें सबके लिए कुशल कर्म की बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में वक्ता बहुत हैं, तो सांस्कृतिक परिवर्तन में जिस दिन हमारे घर की महिलाएं, चाहे वो शिक्षित हों अशिक्षित हों, उन मंदिरों में, उन मठों में, उन आश्रमों में जाना बंद कर दें, हमारे बच्चे जाना वहां पर भागीदारी करना बंद कर दें, निश्चित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन हम कर सकेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों के अंदर, हम चाहते तो हैं कि शहीद भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, दूसरे पड़ोसी के घर में होना चाहिए, ये भाव जब हम रखते हैं तो गड़बड़ है। वो भगत सिंह हमारे घर में पैदा होना चाहिए और ये इस काम को हमारी महिलाएं कर सकती हैं। बाबा साहब ने कहा था किसी समाज की प्रगति को अगर परखना है तो उस समाज की महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसको देख लीजिए। जो काम पुरुष नहीं कर सकते, 1000 पुरुष नहीं कर सकते, उसको 500 महिलाएं करके दिखा सकती हैं, ये मैं कहता, वादे के साथ कहता हूं मैं, और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं। तो गैर कर्मिक बराबरी की व्यवस्था को ध्वस्त करने में हमारे महिलाओं की भागीदारी है, और भागीदारी होनी चाहिए, बढ़ चढ़ करके होनी चाहिए। और अपने पड़ोस के घरों में भी हमारी महिलाओं की ये जिम्मेदारी है कि अगर वहां पर उस तरह की व्यवस्था चल रही है कि झूठे कर्मकांड की व्यवस्था चल रही है, उसको उससे बाहर करने के लिए अपने महिला मित्र को जो है वो अपने पड़ोस की महिलाओं को जागृत करें। और बच्चे, ये मैं कहूंगा कि सांस्कृतिक परिवर्तन में हमारे बच्चों का, हमारा भी रोल उसमें है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर हम उन बच्चों को अच्छी बातें सीखने से वंचित कर दे रहे हैं। हम अच्छी शिक्षा के नाम पर बच्चों को सोचते हैं कि मेरे बच्चे का जो है वो उच्च शिक्षा प्रभावित होगी, मीडियम शिक्षा प्रभावित होगी। हम ऐसे जगहों पर नहीं ले जाते हैं जहां पर अच्छी सीख मिलती है। तो हमारी युवा पीढ़ी भी जो है वो गलत फहमी में है, क्योंकि युवा को नहीं मालूम है, वो जोश में है लेकिन होश नहीं है। हमें होश के साथ में जोश को बनाए रखना चाहिए। इसमें हमारे प्यारे बच्चों का भी रोल बहुत बड़ा है। बच्चों, आपका कोई भाग नहीं बधाता नहीं है, आप ही अपने भाग विधाता हो। आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उन झूठे देवी देवताओं के चक्कर से बाहर आओ। आप ना तो हिंदू हो ना मुस्लिम हो, आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। जहां पर धार्मिक कट्टरता पैदा की जा रही है, वो धार्मिक कट्टरता आपके काम आने वाली नहीं है। बुद्ध का मार्ग जो मध्यम मार्ग है, उसको अपनाओ। और अगर कोई बीमार है उसकी सेवा कर दो, कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई नंगा है उसको एक वस्त्र दे दो, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं अपनी बात को, बाड़ी को विराम देते हुए, यहीं पर प्रस्तावना के तौर पर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। पूज्य बंते करुणाकर महाथेरा, इस धरती पर मैं लगातार 45 वर्षों से आ रहा हूं, 1974, और बहुत से कार्यक्रमों में शरीक हुआ, सारी देश सारी दुनिया के बीच में।
अतरवीर सिंह जी से मेरा, जब ये स्टूडेंट थे मैं बनते था, जहाँ से इन्होंने पॉलिटेक्निक किया वहाँ से मैंने भी किया, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, उसके बाद सब कुछ छोड़कर मैंने आज से कुछ दशक पहले अपनी माताजी से कहा था कि माताजी आज मैं जा रहा हूँ, फिर तुम्हारी चौखट पर कभी वापस नहीं आऊँगा। उस बेचारी को बिना पढ़ी लिखी थी, उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन जब मैंने बाबा साहब की जीवनी को पढ़ा, बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ओवर द सूदास अनटचेबल्स, डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, धनंजय कीर, बुद्धा एंड धम्मा, तमाम किताबों का अध्ययन किया, तो मेरे मन में एक उत्सुकता हुई कि तुम अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बाबा साहब के मिशन के लिए अर्पित कर दो। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ, मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की अस्थि, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फांका परस्ती। ये सामाजिक क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को हो चुकी है, धार्मिक क्रांति भी 14 अक्टूबर 1956 को हो चुकी है। हम लोग उस क्रांति को आगे कितना बढ़ा रहे हैं। आपकी सामाजिक क्रांति उस दिन हो गई जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें सामाजिक समानता का अधिकार संविधान में दे दिया। आपकी धार्मिक क्रांति उस दिन हो गई जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया। इस क्रांति में बहुत से महापुरुषों का योगदान रहा है, जो भारतीय समाज का आड़ियल और सड़ियल ढांचा है, जो भारत का सोशल स्ट्रक्चर है, जो यहां का सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने के लिए 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, कबीर आए, रैदास आए, महात्मा ज्योतिराव फुले आए, स्वामी रामास्वामी नायकर और ज्योतिराव फुले जैसे धुरंधर लोग आए, दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवरम आए, कानपुर में अच्युतानंद जी आए, और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, बाबा साहब के बाद ललित सिंह यादव आए, और इसी धरती पर जगदेव बाबू आए, उसके बाद काशीराम साहब आए। ये फिरस्त एक बहुत लंबी है, इसको बदलने के लिए इसकी लड़ाई यहां कोई बहुत बड़ी नहीं है, जितनी भी लड़ाई है वो सामाजिक विषमता की लड़ाई है, जितनी भी लड़ाई है वो सामाजिक विषमता की लड़ाई है, यहां पर जितनी भी लड़ाई है वो जातिवाद की लड़ाई है, यहां पर जितनी भी लड़ाई है छुआछूत की लड़ाई है, यहां पर जितनी भी लड़ाई है वर्ण भेद की लड़ाई है, यहां जितनी भी लड़ाई है चार्टर व्यवस्था की लड़ाई है, यहां पर जितनी भी लड़ाई है ये सामाजिक और धार्मिक विषमता की लड़ाई है। जो भारतीय समाज का आड़ियल और सड़ियल ढांचा है उसको बुद्ध ने बहुत जोर लगाया, इस धरती पर चिंतन किया। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, लेकिन दुख का कोई कारण है, उसका निवारण हो सकता है, उसका खात्मा हो सकता है, लेकिन उसका उपाय करना पड़ेगा। उसी तरह से जो हमारी धार्मिक और सामाजिक गुलामी है, बाबा साहब अंबेडकर ने उसका उपाय बताया है, लेकिन हम लोग ही स्वयं उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़ी जयंतियां मनाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, गले में माला डालते हैं, और हम लोग वापस चले जाते हैं। 14 अप्रैल को देश जागता है, 15 अप्रैल को पूरा देश सो जाता है, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती। मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब को तुमने जाना ही नहीं, इसलिए आज सामाजिक क्रांति की बात करते हो,
तुमने माना ही नहीं, इसलिए तुम धार्मिक क्रांति की बात करते हो। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ईमानदारी के साथ हम लोग मान जाते, बुद्ध को मान जाते, कबीर को जान जाते, गुरु नानक को जान जाते, रैदास को जान जाते। रैदास ने कहा था कि यहां कोई जाति पाति नहीं है। कौन सा ब्राह्मण है जो मुंह के द्वारा पैदा हुआ है, कौन सा क्षत्रिय जो बाहों के द्वारा पैदा हुआ है, कौन सा वैश्य है जो जंगा के द्वारा पैदा हुआ है, कौन सा शूद्र है जो पैरों के द्वारा पैदा हुआ है। गुरु नानक ने एक बार कहा, क्या ब्राह्मणों तुम्हारी महिलाएं गर्भवती होती हैं? हाँ होती हैं। क्या 9 महीने गर्भ धारण करती हैं? ये करती हैं। तो जैसे ब्राह्मण का जन्म होता है वैसे शूद्र का जन्म होता है। इन लोगों ने उस व्यवस्था को इस तरीके से कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय समाज के बारे में कहा वो किसी ने आज तक नहीं कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक बूंद थे लेकिन समुद्र हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर एक शब्द थे लेकिन ग्रंथ बन गए। बाबा साहब एक व्यक्ति थे लेकिन आंदोलन हो गए। जुल्म और सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, जुल्म और सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सूरज था लजीला हो गया, किसके तर्कों से आज ब्राह्मण पीला हो गया, तुम अछूतों का हकीकी असली लीडर कौन था, निर्बल नेतों का प्लीडर कौन था, सच बताओ कौन निद्रा से जगाकर चल दिया, किसकी मेहनत ने तुम्हें ये फल दिया, कोट जनजन को दे के समता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने पिराया, बोली हुए कौन था जिसने ये कहा मनुस्मृति जलाओ, अस्पृश्यता मिटाओ, छुआछूत का खात्मा करो। क्या आप जो लोग इस हॉल में जो मीटिंग कर रहे हो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है तो और क्या है? जो आप पैंट बुशर्ट पहनकर यहाँ बैठे हो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं तो और क्या है? जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आप आसीन हैं ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? तुम लोग टाई पैंट सूट कर बैठे हो ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमको बहुत ऋणी रहना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो आपको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो आपकी जेब में 4 पैसे नहीं होते, 4 पैसे नहीं होते तो ये सूट और बूट जो पहने हो ये नहीं पहन पाते, और सूट और बूट के साथ साथ यदि आपके पास में पैसे नहीं होते तो यहाँ पर इतने बड़े हॉल में बुद्ध गया में 1000 रुपया खर्च करके आप लोग मीटिंग नहीं कर सकते थे। ये सामाजिक परिवर्तन है, ये सामाजिक आंदोलन है, ये सामाजिक जागृति है, ये सामाजिक चिंतन है। 2 तारीख को सारा देश बंद हुआ, किसी संस्था के द्वारा नहीं हुआ, क्या लाखों लोग सड़कों पर आ गए, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अनेकों बच्चों की माँ बाप गुजर गए, अनेकों माँ बहनों का सिंदूर सुनवार उजड़ गया। ये सामाजिक जागृति नहीं है जो 11-11 हमारे बच्चे शहीद हुए, ये सामाजिक जागृति है, ये सामाजिक आंदोलन है। लेकिन यहां पर गूंजर आंदोलन को कुचला नहीं जाएगा, जाट आंदोलन को कुचला नहीं जाएगा, लेकिन दलित और पिछड़े और मुसलमानों के आंदोलन को यहां पूरी शक्ति के साथ कुचला जाता है। पीछे से गोलियां मारी जाती हैं, उन पर NSA लगाया जाता है, उनको नक्सलाइट बताया जाता है, उनको आतंकवादी बताया जाता है। ये यहां की दोहरी मानसिकता है। और दोहरी मानसिकता क्यों है? कि सत्ता में वो है, व्यवस्था में वो है। हम लोग यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को ही नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को जब तक नहीं बदलोगे, कितनी भी मीटिंग करते रहना, आप लोगों में कोई बदलाव नहीं आएगा। डीवी ढवळे, डीवी ढवळे साहब, प्रदेशाध्यक्ष बामसेब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अलग अलग जाति के संगठन है। उधर हमारे
अलग अलग जो जातियां हैं उस जाति के संगठन बन रहे हैं और गवर्नमेंट के तरफ से उसी संगठन को कुछ सब्सिडी दी जा रही है। चमार लोगों का संगठन है उनको सब्सिडी दिया जाता है। और दूसरी बात जो है वो हमारे उधर वडार कहते हैं पत्थर तोड़ने वाले जो होते हैं उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है। और इधर इधर बांबू के एक उपलिया बनाते हैं टोपले बनाते हैं उसके उसको भी जो है वो सब्सिडी दी जा रहे हैं। क्यों? कारण यह है कि इस सब्सिडी के कारणवश ये सब लोग जाति में रह जाए, मतलब जाति अंत का जो मूवमेंट है ये जाति अंत का मूवमेंट नहीं चलना चाहिए, ये जाति अंत का जो मूवमेंट है वो जाति में ही रहना चाहिए। मतलब बाबा साहब ने जो कहा था कि मेरा जो मोमेंट है ये आगे अगर आप नहीं चला सकते तो वहां ही रोको, लेकिन इस तरह से उस मोमेंट को पीछे ले जाने की कोशिश चल रही है। इसीलिए हमने ये सब्जेक्ट रखा है कि जाति और जातिगत संगठन परिवर्तन में बाधा है और वर्गीय भावना पैदा करने में भी बाधा है। वर्गीय भावना पैदा करने की क्या बात है? हम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं इन लोगों में जब वर्गीय भावना पैदा होती है तो पॉलिटिक्स में हम आ सकते हैं, सत्ता में हम आ सकते हैं, और जब हम सत्ता में आ सकते हैं तो संपत्ति प्रतिष्ठा हमको मिल जाती है। अगर हम ऐसे जाति में और जातिगत संगठन में ही रहोगे तो हम सत्ता में नहीं आ सकते, और सत्ता में जब नहीं आ सकते तो संपत्ति और प्रतिष्ठा भी हमको नहीं मिल सकती है। इसीलिए इस बहुजन समाज को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए जातिगत संगठन को बढ़ावा देने की कोशिश व्यवस्था की ओर से चल रही है। ये बात आप सभी लोगों ने ख्याल में रखनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जाति रखकर आप खुद का विकास नहीं करोगे, अपने समाज का विकास नहीं करोगे, आर्थिक विकास नहीं करोगे, जाति को रखकर आप कुछ भी नहीं मिल पाओगे। यह आप सभी को मालूम है, लेकिन मैं आपको यह सिद्ध करना चाहता हूं कि यह सही है। कैसा सही है? एक दो चार बरस के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे इंडिया के मानव विकास में हमारा जो नंबर है दो चार बरस के आंकड़ों में 135 142 पे है दुनिया में। खुशहाली में हम 117वें पादान पे है, 117वें नंबर पे है खुशहाली में। दुनिया में 3 करोड़ गुलाम हैं, उनमें से आधे गुलाम इंडिया में है, भारत में है। दुनिया के अच्छे 5 यूनिवर्सिटी में एक अमेरिके के, 4 यूनिवर्सिटी एक अमेरिके के, और हमारा उधर का जो यूनिवर्सिटी है 152 पे है। मतलब विद्यापीठ में हम पीछे हैं, गुलामगिरी में हम आगे हैं, खुशहाली में हम पीछे हैं। मतलब जाति व्यवस्था के कारण हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। जाति व्यवस्था अगर हम खत्म करते हैं तो हम एससी एसटी के लोग वर्गीय भावना पैदा कर सकते हैं और सत्ता संपत्ति प्राप्त करके हमारा जो समाज है वो समाज की उन्नति कर सकते हैं। ये आपके सामने हम इस जरिए से बात रखना चाहते हैं। मिस्टर जेके चव्हाण, राष्ट्रीय समता समता संघ। तो जो ये विषय है इस विषय की वजह से ही जो लोग समझ ही नहीं पाए, आज इसलिए हमारा आंदोलन देश के अंदर दोबारा नहीं शुरू हो पाया, और इसी की देन है कि आज देश के केंद्र पर हम लोग अभी तक शासित नहीं हो पाए। साथियों,
जो व्यवस्था आज से 2500 वर्ष पहले जिस व्यवस्था को गौतम बुद्धा ने, जिस जकड़न को गौतम बुद्धा ने, जिस बेड़ियों को गौतम बुद्धा ने तोड़ करके और आपको एक श्रेणी में बांध के रख दिया, जो समाज हमारा बटा हुआ था, जिसको लोग हे भावना से देखते थे, उस समय आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्धा ने हम सबको एक चट्टान बना दिया और एक ऐसा चट्टान बनाया कि उस चट्टान को तोड़ना बहुत आसान नहीं था। लेकिन पुष्यमित्र के प्रतिक्रांति के बाद हम पुनः इस देश में गुलाम हो गए और पुनः गुलाम होते ही जिन दुश्मनों ने, जिसको तथागत गौतम बुद्धा ने जो चट्टान बनाया था, जिस चट्टान को बहुत ही सोच समझ कर साजिश के तहत जिन दुश्मनों ने इस पे हथौड़ा मारा, उसको गिट्टियों में नहीं छर्रियों में तब्दील कर दिया साथियों, जो 6743 जातियों में आज की डेट में इस पूरे भारत में विद्यमान है। साथियों, उसी क्रांति के फल स्वरूप हमारे तमाम महापुरुषों ने इस पर काम किया और आगे चल करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जैसे ही मौका मिला, उन 6000 जाति के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का काम किया, ओबीसी, एसी, एसटी एंड माइनॉरिटी, उन लोगों को जो ओबीसी थे उनको भी जोड़ने का काम किया, अदर बैकवर्ड क्लास, एसी जो शेड्यूल कास्ट है, एसी जो शेड्यूल ट्राइब है, और जनरल, जनरल को आप लोग जानते ही है, जो हमारी 6743 जातियां है साथियों, तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इन सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। आर के पाल साहब, एक सीसी मेंबर बाम से, तक बात जाति की है, मेरे एक साथी, मैं उसको बात को बड़ा पहले ऐसे ही समझता था, ये आदमी ऐसे बोलता रहता, उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये भारत देश में इतनी मजबूत व्यवस्था है कि दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। हम छोटे पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जाति कभी समाप्त नहीं होती। इस देश के तमाम सारे लोग विदेशों में जाकर के बस गए, लेकिन वो जाति का जो वायरस है वो अपने साथ विदेशों में लेकर जाते हैं। तो हमारे साथी कह रहे थे कि ये जो संस्कृति है, जो जाति व्यवस्था है, ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग ले जाते हैं वो अपनी उस जाति व्यवस्था को छोड़ नहीं पाते। और आप रोज अखबारों में, मीडिया में देखते होंगे कि तमाम सारे विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को लेकर के ठेका दे करके यहाँ पे या वहाँ पे कई लोगों की हत्या करवाते रहते हैं कि उनकी लड़की ने या लड़के ने, कि क्योंकि वहाँ पे विदेशों में वो जाति व्यवस्था नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए मानव मानव है, तो वो लोग आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट हैं, वो उस चीज़ उनको सहन नहीं होती और वो हत्याएँ कराते हैं। भारत में तो ये आम बात होती ही रहती है, ये तो आप रोज देखते ही हो, लेकिन विदेशों में भी ये चीज फैल रही है। ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था इतनी मजबूत तरीके से बनाई है कि हम आप तोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं टूट रही। आपने देखा होगा कि हमारे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जाति भावना से ग्रसित होने के कारण ब्राह्मणों ने क्या किया, इन सभी जातियों को अलग रखने के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई। एक तो क्या किया कि उनके शादी ब्याह दूसरे में नहीं कर सकते, एक ही जाति में करनी है, एक तो ये मजबूत व्यवस्था बनाई। दूसरे उन्होंने क्या किया, तमाम देवी देवता उनकी जातियों के अलग अलग दे दिए। हम तमाम सारे हमारे वक्ता लोग यहाँ बोल गए कि वो आप देवी देवताओं को मत मानो, उनकी पूजा न करो, ये सब पाखंड है, लेकिन कहीं उसकी जाति को जो भगवान या देवता दिया गया है, अगर उसके विषय में आपने बोल दिया तो उसके तमाम तर्क दे डालेगा कि नहीं उनको इसलिए जो है हम लोग मानते हैं ये असली
मुद्दा ये होता कि वो भगवान जो दिया गया वो उसकी जाति के आधार पे दिया गया। जैसे मैं उदाहरण की तरह सीधी बात बता दूं, हम जितने चरवाहा जाति यादव गढ़िया हैं वो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। अब कृष्ण भगवान पे अगर आपने कुछ दो शब्द भी बोल दिया तो हमारा यादव भाई वो जितना मर्जी बड़ा बुद्धिजीवी बड़ा विकासशील की बात साइंटिफिक बात करेगा, जहाँ पे भगवान कृष्ण की बात आ गई वहाँ पे फौरन आपसे नाराज हो जाएगा। इतना लगाव चली जाति भर दिया गया उसने तमाम तरीके से कि हम उसके कारण से संगठित नहीं हो पा रहे हैं। माननीय रामेश्वर पवन जी जो सामाजिक चिंतक है बहराइच यूपी से, माननीय रामेश्वर पवन, जातियों जातिगत संगठन बहुजन समाज में वर्गीय भावना पैदा करने और सामाजिक परिवर्तन की मुहिम में बाधक। जाति है क्या? जाति दो तरीके की है, एक नैसर्गिक है और एक कृत्रिम है। नैसर्गिक जाति यह है कि मानो एक जाति विभिन्न तरह के पेड़ पौधे अलग जाति हैं, पशु पक्षी अलग जाति हैं, ये नैसर्गिक है। लेकिन हम जिस जाति की बात यहां कर रहे हैं वो कृत्रिम जाति है और उसका सीधा सीधा संबंध जो एक कथित रूप से हिंदू धर्म है, जो वास्तव में धर्म नहीं है लेकिन उसे धर्म की संज्ञा दी गई है, उस धर्म की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें चौथे वर्ण से बनाई गई विशेष रूप से जो जातियां हैं उन जातियों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मित्रों, कभी दास प्रथा पूरे दुनिया के हर देशों में होती थी, स्पार्टा का हेलेट खत्म हो गया, जर्मन में जीव नहीं रह गया, ब्रिटेन का विलेन नहीं है, अब अमेरिका में निग्रो नहीं रह गया, सबको समान अधिकार मिल गए सैद्धांतिक रूप से और व्यावहारिक रूप से भी। लेकिन भारत में दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, इसके बावजूद सैद्धांतिक अधिकार होते हुए व्यावहारिक रूप से इस देश का शूद्र आज भी गुलाम का गुलाम दास के रूप में व्यावहारिक रूप से देखा जाता है। यह है समस्या, ये मूल समस्या हमारी है। अब जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर देखें तो भारत में केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, दूसरे धर्म के लोग भी हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं तो इस देश में जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है उसमें अपमान के नाते उन्होंने धर्म बदला हुआ, जिन लोगों ने उनकी संतानें हैं। लेकिन यह जाति व्यवस्था जिसकी चर्चा हमारे मित्रों ने किया, इसके निर्माताओं ने बड़ी कुटिलता से बड़ी चालाकी से इस तरीके से इसका मशीनीकरण किया कि उसको हम स्वयं खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग उससे पिटे पिटाए हैं, जो उसका दंश झेल रहे हैं, वो भी किसी न किसी रूप में उसे बनाए रखना चाहते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ ये पहला वाला सत्र जो था महिलाओं का अधिकार, हम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी जाति व्यवस्था की देन है कहीं ना कहीं से। और उसका प्रभाव अपने इस हिंदू व्यवस्था, कथित हिंदू व्यवस्था में ही नहीं, इस देश में अगर मुसलमान आया, जिस इस्लाम में जातियां नहीं थी उसमें भी जातियां बन गई, भारत में है। सिख समाज समता के लिए स्थापित हुआ, छूत छात भले ही न रह गया हो लेकिन अगर देखेंगे कहीं ना कहीं आज वहां भी कुछ न कुछ विद्यमान है। क्रिश्चियनिटी में भी जातियां बन गई। और यह जाति व्यवस्था हम सबका इतिहास है, हम सबकी संस्कृति है, लेकिन जो वर्ग जो जाति जो समाज अपना इतिहास खो देता है उसकी संस्कृति खो जाती है, और तब जो लुटेरा होता है जो शोषक होता है वो एक गलत इतिहास लिख करके रखता है, और जो शासित होते हैं उन अच्छे लोगों को भी गलत साबित कर देता है। और उसके दो शब्द मैं देना चाहूंगा, असुर और राक्षस। पूरी पौराणिक कथाएं भरी पड़ी हैं,
असुर का अर्थ जो सुरापान न करता हो, राक्षस का अर्थ जो समाज की रक्षा कर ले अपने, लेकिन आज इसका अर्थ क्या है यह बताने की जरूरत नहीं। इस नाते जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जहां से जाति व्यवस्था पनपी हुई है, उसे तोड़ना आवश्यक है। और उसके बगैर जब हम जातीय संगठन बनाते हैं, बहुत सारे हर जातियों के, बैकवर्ड क्लास के तो बने ही हैं, दलित समाज में भी जिसको अनुसूचित जात कहते हैं उनमें भी जातीय संगठन सब बने हुए हैं। और प्रायः लोग जब जातीय संगठनों में होते हैं कहते हैं मुझे फला जाति होने पर गर्व है। तो जब अपनी जाति पर आप गर्व करेंगे तो जाति को बनाए रखना चाहेंगे, और जब जाति को बनाए रखना चाहेंगे तो उन्होंने तो क्रमिक विषमतावादी व्यवस्था बनाई है। और क्रमिक विषमतावादी व्यवस्था जो बनाई है, हम जहां पर बैठे हैं, जब हम चाहेंगे कि हमसे कुछ जो नीचे सीढ़ी हैं वो हमसे नीच हैं, हम उनसे ऊंचे बने रहे, तो बिना कुछ किए कराए ब्राह्मण अपने आप ऊंचा बना हुआ है, आप उसे हिला डोला नहीं सकते। इस नाते इसे तोड़ने की जरूरत आप सबको पड़ेगी। मित्रों, इस पराधीनता का कारण भी यही रहा। मुसलमान जब आया वो विदेशी था, आज जो मुसलमान है धर्म बदला हुआ हमारे बीच से है, सिजरा देखेंगे मिल जाएगा, लेकिन जिस समय आया वो विदेशी था। पराधीनता का कारण क्या था कि जब वेद के अनुसार, दशम मंडल के अनुसार या दूसरे ग्रंथों के अनुसार कह दिया गया कि ब्रह्मा के चार अंगों से चार वर्ण पैदा हुए और चौथे वर्ण को हथियार उठाने का अधिकार नहीं, तो हमें लड़ने का अधिकार नहीं था। और जो लोग वीरता का ठेका लिए हुए थे, जो विद्वता का ठेका लिए हुए थे, वो अय्याशी में लगे रहे, देश गुलाम हुआ। इस गुलामी का कारण भी है। आज आर्य समाज जैसा संगठन, थोड़ा हो सकता है सब्जेक्ट से बाहर चला जाऊं तो माफ कीजिएगा, जब उनके सम्मेलन होते हैं वो कहते हैं इस देश में गुलामी का कारण बौद्ध धर्म है, उसकी अहिंसा है। लेकिन अगर गंभीरता से देखेंगे, जब भी देश में बौद्धों का शासक रहा है, कोई बौद्ध सम्राट रहा है, किसी विदेशी की हिम्मत नहीं हुई कि देश की तरफ आंख उठा के देखे। जब भी देश गुलाम हुआ है, हिंदू व्यवस्था चातुर्वर्ण व्यवस्था के मानने वालों के समय में गुलाम हुआ है, क्योंकि वो लोग कायर थे, लड़ने वाले नहीं थे, इस नाते देश गुलाम हुआ। मित्रों, अब जब तक ये जातीय संगठन रहेंगे, हम वर्गीय चेतना की ओर नहीं जा सकते, और जब तक वर्गीय चेतना नहीं होगी तब तक निश्चित रूप से न किसी जाति का भला हो सकता है, उस जाति का भी भला नहीं होगा। हां, जाति एक अर्थ में सही हो सकती है। आर्य साथ थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं अलग जा रहा हूं। जाति एक अर्थ में सही हो सकती है। हम वर्ग के नाम पर जब कार्यक्रम बुलाते हैं लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, जाति के नाम पर बुलाते हैं तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। माननीय डॉक्टर मनराज शास्त्री जी, BPSS, डॉक्टर मनराज शास्त्री जी अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। ज्योतिबा फुले की बात अभी यहाँ पर की जा रही है, और जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो ऐसे ही आमने सामने लगाई जाती है। एक सावित्री बाई फुले की रहती जो यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और बुद्ध जी के बाद, कबीर के बाद, रैदास के बाद ज्योतिबा फुले ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतवर्ष की जो ये सांस्कृतिक विरासत चली आ रही थी, जो भारतीय समाज की संरचना थी, उसके जो अवगुण थे, जो कुछ शासक लोग थे और कुछ शासित लोग थे, उनमें शासितों में चेतना जगाने का उन्होंने काम प्रारंभ किया। वो सारे जितने भी महापुरुष उनके बाद हुए, सबसे पहले उन्हीं की बात को लेकर के सब चले हैं। और ज्योतिबा फुले ने दो शब्द दिया था, शूद्र और अतिशूद्र। शूद्र और अतिशूद्र में उन्होंने भाईचारा कायम करने की कोशिश की, शिक्षा पर महत्व दिया, नारी शिक्षा पर महत्व दिया, दलितों की शिक्षा पर महत्व दिया, और जो सत्यशोधक समाज बनाया
वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनके समय में ही वहाँ पर गए थे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती अपना एक जुलूस निकालना चाहते तो जुलूस निकल नहीं रहा था, तो ज्योतिबा फूले ने अपने आदमियों को लगा करके उनको जुलूस को निकलवाया। लेकिन दयानंद सरस्वती ने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने देखा कि ज्योतिबा राव फूले जो ये सत्य शोधक समाज बना करके समाज में चेतना ले आ रहा है, इससे हमारी जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना के बाद उस मनुवादी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने एक संस्कृताइजेशन चलाया। वो क्या था, उन्होंने कहा कि हर जाति को जनेऊ पहनने का अधिकार है, औरतों को भी पहनने का अधिकार है। उसी से तमाम सारी जातियों में एक तरह की भावना पैदा हुई, हम ऊंचे हैं। तो पवन जी जैसे यादवों का जिक्र कर रहे थे, यादवों ने कहा हमारे तो श्री कृष्ण हैं, आइकन ढूंढने लगे सब। आइकन कौन हो गए, श्री कृष्ण हमारे आइकन हो गए, और हम कृष्ण के वंशज हैं, हम सब क्षत्रिय हैं, हम सबसे ऊपर हैं। कुर्मी ने कहा हम कूर्म क्षत्रिय हैं, वो भी अपना कोई आइकन ढूंढने लगे। तमाम तरह से इसी तरह से जो है पाल क्षत्रिय, कुछ तो क्षत्रिय इस तरह से बनते रहे, और कुछ ब्राह्मण भी बनते रहे, पांचाल ब्राह्मण। जो ब्राह्मण विश्वकर्मा लोग थे उन्होंने अपने को क्या कहा, हम पांचाल ब्राह्मण हैं। ऐसे ही क्षत्रिय बनने की, ब्राह्मण बनने की होड़ लग गई, और उस होड़ का नतीजा क्या हुआ कि वो जो जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, विषमता की व्यवस्था थी, वो एक तरह से फिर नए रूप में आ गई। और आज भी ये जो हमारा 85% आप कहते हैं ना, 85% जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समाज के लोगों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया है, सामान्य वर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी रखे गए हैं OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, उस संविधान में उनका भी व्यवस्था है, लेकिन वो माइनॉरिटी के लोग कुछ SC में आते हैं, कुछ जो है SC में तो शायद नहीं जाती, OBC में आते हैं, SC और OBC में आते हैं। तो ये बड़े ताजुब की बात है कि 26 जनवरी सन 50 को संविधान लागू हो गया, और मनुस्मृति जब लिखी गई पुष्यमित्र सुंग के समय में, एक पुष्यमित्र आज भी पैदा हो गया है, उसकी बात मैं बाद में करूँगा, तो तब से लेकर के 1947 तक हम कभी दोहरी गुलामी झेले, जिनको हम विदेशी कहते हैं उनकी भी गुलामी झेले, और ब्राह्मणों की गुलामी तो हम झेलते चले आ रहे थे। बादशाह चाहे कोई हुआ हो, एक हर्ष को छोड़ करके कोई बुद्धिस्ट शासक फिर नहीं हुआ मौर्य वंश के बाद। तो ये जो हम गुलामी झेल रहे थे, दोहरी गुलामी झेल रहे थे, आज भी हम वो गुलामी झेल रहे हैं, उससे हम मुक्त नहीं हुए हैं। और ताजुब की बात जो मैं कह रहा था कि आज 2019 के 26 जनवरी या 25 जनवरी को 69 वर्ष आज़ादी के पूरे हो, संविधान लागू के पूरे हो जाएंगे, आज़ादी के नहीं, संविधान लागू के 69 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 69 वर्षों में जो अल्पमत हैं, जो 15% हैं या 15% से कम हैं, वो हमारे ऊपर आज भी शासन कर रहे हैं, और हम जो 85% का नारा देते रहते हैं, वो हम शासित हैं। माननीय AK अहिरवार सर, जाति जो कभी जाति नहीं है, मरने के उपरांत भी व्यक्ति की पहचान जाति से ही की जाती है। व्यक्ति कितना ही गुणवान, कितना ही धन बल में और सभी चीज़ों में पारंगत हो, लेकिन उसकी पहचान जन्म जाति से ही की जाती है। जातीय संगठन के कारण जनसमूह छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, मेजॉरिटी में नहीं हो पाते। बहुजन समाज में वर्गीय चेतना, बड़े समूह समाज में नहीं बन पाता, जिससे
उच्च जाति के संगठन के लोग बहुजन समाज की जातियों के संगठन पर भारी पड़ते हैं। जब तक बहुजन समाज के संगठन में वर्गीय चेतना भावना पैदा नहीं होती, सामाजिक परिवर्तन होना असंभव है। बामसेप जाति एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्गीय भावना पैदा करने और सामाजिक परिवर्तन की मुहिम में विस्तार करने का कार्य निरंतर कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। माननीय एसपी आर्या साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, कि हमेशा की तरह हमें प्रेरित करें। साथियों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हमारे स्पीकर साहबान ने भी बताया, आप महसूस भी कर रहे होंगे, मैं भी इस बात को महसूस कर रहा हूं कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए नहीं कि ये आप इसके ऊपर चर्चा कर रहे हो, बस ये इसलिए कि ये इस इतने बड़े समाज को गुलाम बनाने का एक इतना बड़ा हथियार है ये, इसलिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने दिनों से, हजारों वर्षों से, इतने बड़े समाज को जिसकी आबादी इस देश में बाद में आकी गई, जिसका अनुमान 85% से ज्यादा है इस देश की आबादी का, इनको कर्मिक गैर बराबरी के आधार पर इनको गुलाम बनाया गया। और इतना ही नहीं, ये और भी सनसनीखेज बन जाता है कि जब इस गुलामी में जीते हुए लोग आनंद का अनुभव करने लगते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बन जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गुलामी में जिसको आनंद आने लगे उसको पूर्ण गुलाम कहते हैं। Those who feel pleasure in slavery, they are called perfect slaves। तो जिनको गुलामी में आनंद आने लगा कि जूठन बेशक है लेकिन बिना कुछ किए धरे मिल जाता है खाने को, इससे बड़ी मेंटल स्लेवरी और क्या हो सकती है, फिर वो इसके लड़ेगा क्यों? एक शहद पालने वाला व्यक्ति शहद की मक्खियों को जार में रखा, कुछ दिन तक उनको ढक्कन रख करके रखा जार के ऊपर, वो मक्खियां टक्कर मारते मारते वो कुछ दिन में हैबिचुअल हो गई कि ढक्कन खुलने वाला नहीं है, तो उन्होंने उस ढक्कन को भी हटा करके देखा, मक्खियां उसके अंदर से बाहर नहीं भाग रही हैं। तो लोगों ने पूछा, भाई ये ढक्कन क्यों नहीं रखते? कि ढक्कन ऊपर रखना यूजलेस है, बेकार की बात है, जब ये इसे जार के अंदर रहने के अभ्यस्त हो गई हैं, तो फिर ढक्कन रखना एक मूर्खता का काम है, उसके ऊपर ढक्कन क्यों रखा जाए। हमारे बहुजन समाज की स्थिति इससे भी ज्यादा भयंकर है कि उसमें उस मक्खी को अगर कोई छेड़ देता है तो वो जार से निकल करके उसके ऊपर आक्रमण कर देती है, लेकिन इन गुलाम मक्खियों को अगर कोई छेड़ देता है तो उसको बर्दाश्त करने की मादा उनके अंदर इतनी अथाह है कि उसके खिलाफ बगावत नहीं करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इस देश में महामना फूले जो हमारे लिए प्रेरणा और आदर्श हैं, उन्होंने 1848 में, पहले वो भी हमारे बहुजन समाज की तरह ही ऐसे महसूस करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना दिया है, अब वो पत्थर की लकीर हो गई, कोई उसको हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, इसलिए चाहे देसी का सेवन करो, चाहे अंग्रेजी का सेवन करो, रात में करो, दिन में करो, दफ्तर में करो, सड़क पे करो, कोई रोक रुकावट डालने वाला नहीं होगा, तनख्वाह बहुत बढ़िया मिलती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी से। तो फिर उन्होंने इसको पत्थर की लकीर मान करके उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने ऐसो आराम के साधन प्रमोशन का जरिया खोजते रहे। अभी हमारे शास्त्री जी ने वो बताया कि रोस्टर सिस्टम है, अभी हमारे समाज का, हमारे खास तौर से इंप्लाइज वर्ग का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो सबसे ज्यादा चिंतन अपने रोस्टर सिस्टम के ऊपर करता है कि भाई अभी हमारा प्रमोशन कैसे होगा,
पिछले दिनों जब बाम सेफ के आधार पर जब वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का सिस्टम चला तो ये प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम इस तरह प्राइवेट में आरक्षण की मांग क्यों करते हो। अभी जब हमने कहा कि प्राइवेट नहीं, कोई कंपनी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, तो हमारे समाज के जो गद्दार लोग हैं उन लोगों ने कहा कि अभी आप इधर प्राइवेट में जाओगे तो आपको प्रमोशन इतना ज्यादा मिल जाएगा। हमारे खास तौर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो उधर प्राइवेट कंपनियों में एग्जीक्यूटिव लगे हुए थे वो अपना प्रमोशन देखने लगे कि 10 साल में कहां जाएंगे, 20 साल में कहां जाएंगे, इस कंपनी के चेयरमैन होकर के रिटायर होंगे या जीएम होकर के या डायरेक्टर होकर के रिटायर होंगे। उन लोगों ने उनका साथ दिया। और अभी क्या प्राइवेटाइजेशन में आपका रिजर्वेशन संवैधानिक तौर से हो सकता है? किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप रिजर्वेशन के माध्यम से अख्तियार कर सकते हैं? इसलिए ये लॉलीपॉप हमारे समाज के सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसमें फंसते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो निरंतर उसके साथ फंसते जाते हैं। साथियों, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा 1917 में जब पहली बार इस समाज के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व साउथ बारो कमेटी के सामने रखा, जीवन का पहला दिन था उनका, इस समाज के लिए वकालत शुरू कर रहे थे, उन्होंने रखा साउथ बारो कमेटी के सामने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो अधिकार प्राप्त समिति थी उसके सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अभी भारत देश में तीन बातें उन्होंने कही। पहली बात उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोगों के अंदर समग्र समाज की सोच नहीं है। इस समग्र समाज की सोच की वजह से जिस जाति का प्रतिनिधि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी हाउस में चला जाता है वो अपने जाति के लिए ही, अपने वर्ग के लिए ही वो निरंतर रातों दिन काम करता रहता है, बाकी लोगों के लिए कभी चिंता नहीं करता है। इसको खाना मिला, पानी मिलता है, चलने का रास्ता है, स्कूल है, दवाई है या नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करता है। दूसरी बात, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा इसलिए ये तभी इसका कल्याण संभव है जब इसका स्वप्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसका उन हाउसेज में उन विभागों में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी ये बीमारी खत्म हो सकती है, इसलिए स्वप्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग इनके बीच में से सिलेक्ट होकर के इलेक्ट होकर के जाते रहते हैं वो इनको वंचित लोगों को आश्वासन देते रहते हैं कि अब की बार हम जाएंगे आपके लिए बहुत माला माल का कानून बना करके आएंगे। ये वंचित जातियां माला माल की इच्छा में उनको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि बना करके भेजती रहती हैं, और आप जानते हैं कि वो प्रतिनिधित्व करने वाली जातियां वो प्रतिनिधि जब उस हाउस में जाते हैं तो वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि वो उस चालबाजी को जानते हैं कि अगर मैं इनको माला माल करने का कानून बना दूंगा तो अगली बार इनको हम बेवकूफ कैसे बनाएंगे, इसलिए वहां जाकर के इनके हित का कभी कानून नहीं बनाते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वो वंचित जातियां वो रंक से और रंक हो जाती हैं, और वो प्रतिनिधित्व करने वाली जातियां वो माल से सुपर माला माल हो जाती है, इसलिए इन वंचित जातियों का भी वंचित वर्ग का भी ये उधर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिस हाउस से ये अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने समाज के लिए काम करने का। और तीसरी बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही जो बहुत ही गंभीर बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1885 में, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1885 में भारत सेवा आयोग को, जो आज यूपीएससी है ये तब भारत सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा आयोग को एक ज्ञापन दिया कि पिछले 150 वर्षों में ब्रिटिश काल के शासन काल में भारत के लोगों को, भारतीयों को इधर भारत सेवा आयोग के माध्यम से
उनका चयन नहीं हो रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो वो कौन लोग थे, भारतीय कौन लोग थे? कास्ट हिंदू सवर्ण लोग थे, क्योंकि बाकी को तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। कौन ICS बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा? तो इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि गोपाल कृष्ण ने, गोखले ने ज्ञापन दिया कि जब से इनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, ये कमजोर हो रहे हैं, दिमाग से कम बुद्धि के हो रहे हैं, मंद बुद्धि के हो रहे हैं, और यहां तक कि नपुंसक हो रहे हैं, इनका पूर्ण विकास नहीं हो रहा है। वो ज्ञापन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निकलवा करके तब साउथ बारो कमेटी के सामने रखा कि ये तीन कमी हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि इनका प्रतिनिधित्व उधर नहीं है। तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इन बातों से उन्होंने इसके ऊपर गौर किया, और फर्स्ट इंडिया एक्ट जब बना 1919 में, तो उन्होंने इनका प्रतिनिधित्व निचले हाउस में, जो आप जिला परिषद नगर पंचायत होती हैं, उसमें किया। इसके और आगे बढ़ने से पहले साथियों, हम आपका ध्यान महामना फूले की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे समाज में किस तरीके से जब चींटियों के सामने चीनी के दो दाने डाल दिए जाते हैं, तो कोबरा क्रैत जो मरने की पोजीशन में होता है, अगर किसी सांप को एक सरपत का चीरा लग जाता है, तो फिर उसको वो चींटियां खा जाती हैं, सांप उनको कहां काटेगा? सांप चींटी को नहीं काट सकता है, लेकिन सरपत का एक चीरा उसके शरीर में लग जाता है, एक बूंद खून निकल जाए, तो चाहे कोबरा हो, करेट हो, या साधारण सांप हो, उसको चींटियां जिंदा खा जाती हैं। लेकिन जब कोबरा को चींटियां खा रही हो, उसके बगल में चार दाना चीनी का डाल दीजिए, चींटियों की दिशा क्या होगी? कोबरा को खाना या चीनी को खाना? चीनियों की तरफ हम मुड़ जाएंगी, चीनी के दाने सबको नहीं मिलेंगे, लेकिन लिपट जरूर जाएंगी। कोबरा जो समाज का दुश्मन है, वो इसी में सुरक्षित हो जाता है, बच जाता है, जो आने वाले समय में फिर कई पीढ़ियों को डसता रहता है। यही हमारे बहुजन समाज का हाल है साथियों। जीवियों के माध्यम से इस देश में कुकुरमुत्तों की तरह इस देश में जाति और जातियों के संगठन पैदा हो गए। हम देख रहे बहुत सारे जातियां जिनके नाम नहीं जानते थे। मैं आपको बात करूं, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, बाम से अपने 6000 जातियों का नाम लिया कि लगभग 6000 जातियां हैं। मंडल कमीशन के माध्यम थे 3743 ओबीसी कम्युनिटी की जातियां हैं, और 1000 के आसपास 1200 के आसपास एससी की हैं, कुछ एसटी की हैं। हम लगभग उनको 6000 जातियों का नाम देते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उन कास्टों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 जातियां हैं साथियों। एससी एसटी ओबीसी की मैक्सिमम 15 से 20 जातियां हैं, उनकी बहुत सारी उपजातियां बना दी गई हैं, बहुत सारी उपजातियां। अहीर एक जाति है, उसमें बहुत सारी अहीर, यादव, पता नहीं, गढ़रिया की एक जाति है, उसमें बहुत सारी जातियां है ना, गढ़रिया कुर्मी सारा एक। आप देखेंगे 15 से 20 जातियों के बाद आपको नाम नहीं आएंगे कौन कौन सी जातियां हैं। उन्हीं को मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए 6000 जातियों बांट दिया है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, जिसको हम 85% कहते हैं। एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन समाज है, इस 85% को आप 6000 से डिवाइड कर दीजिए, इस 85% को आप 6000 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आप देखिए कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग हमारे बनते हैं, कितने बनेंगे 85 को 6000 से डिवाइड करके, 0 0 कुछ और आएगा आगे जाकर, ऐसा ही होगा ना। अगर आप 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जिनको हम कहते हैं 3 वर्ग हैं वो, उनको 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो पॉपुलेशन इस देश में सबसे कम ब्राह्मणों की 3% मानी जाती है, वो 3% भी बहुत हो जाती है, और हमारे 85% लोग 6000 छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाते हैं। सारे के सारे सेल, 6000 के 6000 सेल, सारे के सारे आइसोलेटेड है आपस में, उनके अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर उनके अंदर कोई रिलेशन हो जाए, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके अंदर रिलेशन पैदा होगा, फिर उनके अंदर
अब कारण क्या है, उसको आइसोलेट क्यों किया गया? क्योंकि जब इन्होंने बहुत चालाकी की साथियों, जब हम पढ़ते हैं उस व्यवस्था को, जब इन्होंने बाढ़ बनाए उसमें, तो बहुत ही चालाकी की उसमें। क्या किया कि जो सवर्ण है जिनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण बनाए हैं उनमें, उनमें इन्होंने उनमें भी सब कास्ट बना दी। ब्राह्मणों में भी सब कास्ट, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, भट्टाचार्य है, भट्ट, पता नहीं बहुत सारे पाठक उपाध्याय है, लेकिन उनमें एक रूल बना दिया कि आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो ब्राह्मण में क्या होगा कि पाठक उपाध्याय का उपाध्याय त्रिवेदी का, त्रिवेदी चतुर्वेदी का, चतुर्वेदी मिश्रा का, मिश्रा शर्मा का, शर्मा गौड़ का, आपस में सारे के सारे रिश्तेदार होंगे। कोई बुआ लगेगा, फूफा लगेगा, कोई साला लगेगा, कोई मामा लगेगा, और उनके अंदर कोई भी किसी के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, सारे के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके अंदर इससे क्या होता है, एक वर्गीय भावना पैदा होती है। यही स्थिति क्षत्रिय की है, यही स्थिति वैश्य की है। लेकिन जिनकी हम 85% की हिमायत करते हैं कि हम 85% लोग हैं, और है भी है, इनके लिए क्या कह दिया कि आप इनकास्ट मैरिज करेंगे। अगर आप इनकास्ट मैरिज करेंगे, आपके साथ कोई खाने का, बैठने का, उठने का, दुख सुख में शामिल होने का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या होगा कि जो चौथा वर्ण है वो हर जाति अपने आप में आइसोलेटेड है, और उसके अंदर जो वर्गीय भावना पैदा होगी वो केवल अपनी एक कास्ट के लिए होगी। और एक कास्ट किसी भी वर्ग से छोटे वर्ण से भी वो छोटी पड़ जाती है, और उधर हमारा बड़े से बड़ा वर्ण भी वो छोटा पड़ जाता है, और उससे वो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला उनके लिए इंप्लीमेंट होकर के वो हमें आज भी शासक हमको नहीं बनने दे रहे, आज भी वो शासक वर्ग बना हुआ है। और इसका ये जब बाम साहब ने 73 से काम शुरू किया तो क्या हुआ कि बहुत सारी जातियों के बीच में पोलराइजेशन होने लगा। हमारे बीच में बहुत सारे साथी, हम डिबेट भी करते हैं, मेरी बात चली, बहुत सारे संगठन आज जो पैदा हुए हैं वो एससी एसटी ओबीसी को डिवाइड करने लगे। हमने कहा भाई एक बात बताइए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसको राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एक ही वर्ण की बात की है, एक ही क्लास की बात की है। एक जाति बिहार में ओबीसी में आ रही है, वही जाति यूपी में शेड्यूल कास्ट में आ रही है, वही जाति जब हिमाचल में चले जाते हो शेड्यूल ट्राइब में जा रही है, और उनके आपस में रिलेशन भी हैं। एक जाति यूपी में शेड्यूल कास्ट में आती है, ओबीसी में यूपी में ओबीसी में आ रही है, वही जाति जे एंड के में हिमाचल में एसटी में आ रहा है। आप कैसे इनको डिवाइड करोगे? क्योंकि ये जातियां एक ही हैं, इनको हमारे को इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको बांटा है, हमारे आपस में रिलेशन है, हम इनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं? इसीलिए हमारे अंदर वो वर्गीय भावना बामसेब के माध्यम से जब पैदा होने लगी तो उन्होंने जातियों के संगठन खड़े कर करके जातियों के लीडर पैदा कर दिए। जब जातियों के लीडर पैदा होने लगे तो उन लीडरों के साथ उनकी साथ सौदेबाजी होने लगी। सौदेबाजी जब होने लगी तो इंडिविजुअल लीडर बड़ा होने लग गया। जब इंडिविजुअल लीडर बड़ा होने लगा, जैसे अभी आर राजी बोल रहे थे, वो हमारे शास्त्री जी बता रहे, जब वो एमएलए भी बन जाता है तभी सोचता है कि मेरे जाति का विकास हो गया, मैं एमपी बन गया, मेरे जाति का विकास हो गया। आज स्थिति यही है, और इस स्थिति से जो फुले अंबेडकरी आइडियोलॉजी इस देश में फैलनी चाहिए, जो इस देश में वैज्ञानिक तर्कशील की जो बात, वैज्ञानिक सोच की जो बात हो रही है, जो इस देश में मानवता की बात हो रही है इस देश में, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। बात मैं देखता हूं बहुत सारी करते हैं, लेकिन एक जाति दूसरी जाति से, दूसरी जाति तीसरी जाति के साथ कोई रिलेशन की बात नहीं करती है। आज जिस स्थिति को हम पहले लड़ रहे थे, आज वो हमारे सामने भयंकर रूप ली हुई है। बामसेब ने जब काम शुरू किया तो इस देश में दो ही लाइनें थी, एक सेठ जी भट्ट जी था, दूसरी शूद्रा अति शूद्रा था, जो
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का हमारे पास लाइन थी, डिमार्केशन लाइन थी कि एक तरफ सेठ जी भट्ट जी है और दूसरी तरफ शूद्रा तिशूद्रा है। सेठ जी भट्ट जी वर्सेस शूद्रा तिशूद्रा था। लेकिन इस मैं देख रहा हूँ 1990 के बाद एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आ गई है जातियों के संगठन, और अपने सामने ग्रेट लिखते हैं, ग्रेट बहुत सारा मैं देखता हूँ, ग्रेट चमार। भाई चमार ग्रेट कैसे हो सकता है जब चमार हिंदू फिलॉसफी में फाल करता है तो वो ग्रेट हो ही नहीं सकता। मुझे कई बार लिखना पड़ता है कि भाई चमार है तो ग्रेट नहीं हो सकता। हाँ अगर वो अम्बेडकर आइट है तो ग्रेट हो या पक्का होगा। तो आज हमारे सामने जो जाति है और जाति को मजबूत करने के लिए जातिगत संगठन है, ये हमारे लिए वर्गीय भावना पैदा करने में सबसे बड़ी बाधक है। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा इंटरकास्ट मैरिज की, क्योंकि जो 6000 जातियां जो बनी हुई हैं, जो 6000 जातियों का जो शूद्र वर्ग है, इसके अंदर अगर वर्गीय भावना पैदा करनी है तो इसके अंदर पहले क्या है, क्योंकि रामस्वरूप वर्मा जी ने भी यही बात की अर्जन संघ माध्यम से कि हमको रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। अब रोटी बेटी का संबंध ऐसे नहीं बनेगा, उसकी भी स्टेजेज हैं। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के साथ उठना बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे की जो बात में कह रहा था सम्यक दृष्टि, दोनों की दृष्टि एक होनी पड़ेगी। जब दृष्टि होगी हमारे दोनों की एक जैसी होगी, सोच एक जैसी बनेगी, हम दोनों की भाषा एक वर्ग की एक जैसी होगी, हम लोगों का आचरण एक जैसा होगा, हम जिस लेवल पर सोच रहे हैं कि हम लोगों के जो रिलेशन होगा इंटरकास्ट मैरिज, बहुत सारे आज की डेट में लोग लव मैरिज करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव मैरिज से ये इंटरकास्ट मैरिज है, हम इसको इंटरकास्ट मैरिज नहीं मानते। इंटरकास्ट मैरिज वो है जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, समाज रिकॉग्नाइज करे और समाज उसको अरेंज मैरिज करके दे। एक लड़की वाला एक लड़की का फादर, एक लड़के का फादर, दोनों आपस में रिलेशन की बात करें, लड़की लड़का आपस में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा साहब का जो काम है वो पूरा हो रहा है इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से। हमने कहा भाई कैसे पूरा हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से उनके अंदर जब सोच में इक्वलिटी नहीं है, भले ही दो लड़कों ने एक लड़की ने एक लड़के ने शादी कर ली, नो डाउट ये जीवन की रिक्वायरमेंट है, हर मेल को फीमेल चाहिए, हर फीमेल को मेल चाहिए, ये जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, बायोलॉजिकली रिक्वायरमेंट है, तो वो तो होगा। लेकिन अगर वो इस देश में इस सोशल सिस्टम को डैमेज करने के लिए इस प्रीवेलेंट सोशल सिस्टम में कहीं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो तभी कर सकता है जब हमारी देश की जो आइडियोलॉजी है, जो फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी है, उस विचारधारा को कैरियर बन मान करके उस पर चल करके अगर उस आगे करता है तो हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। लेकिन वो लव मैरिज होती है, लड़का का बाप लड़की को मार देता है, उसके लड़के को मार देता है, होता है आजकल हमारे देश में। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है साथियों वो इस देश के जातिगत संगठन है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने या लड़के ने लव मैरिज कर ली है तो वो जाति के संगठन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर वो लड़की का बाप एक बात को नर्वस भी हो जाए कि यार मेरे बस की बात नहीं छोड़ देता हूं, तो वो जाति के संगठन जाति के लीडर उसको उत्साहित करते हैं, उसका उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि नहीं हमारी जाति की नाक कट जाएगी और वो व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। ये हम देख रहे हैं बहुत सारे जीत में, बहुत सारे उधर मैं पंजाब में रहता हूँ, जाटों की पंचायत आ गई जी, जाटों का संगठन आ गया, उन्होंने ये निर्णय ले लिया उसको हम काट देंगे, बहुत सारे हो रहे हैं। तो आज हमारे सामने हमारे ही बीच में से नए ब्राह्मण उन्होंने पैदा कर दिए, ये हमारे लिए चैलेंज है। और ये नए ब्राह्मण पहले चैलेंज जो हमारे सामने है ये हमने इसलिए रखा है कि ये जो नए बुद्धिजीवी हमारे बीच में यूथ आ रहे हैं इस चीज को समझें। इसीलिए साथियों आज भी हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी साथी, मैं देखा है कि बाम से में जितने भी लोग काम करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली को, आप भी अगर सोशल चेंज के मूवमेंट में काम कर रहे हैं
और आप अपने परिवार को एक बार उस शामिल करा दीजिए किसी भी कैडर कैंप में, किसी भी अधिवेशन में। आप जब भी आप बामसेब का काम करने जाएंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे नहीं आप इतने बजे आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो। आपके चरित्र के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि पता है कि बामसेब करेक्टर बिल्डअप ऑर्गेनाइजेशन है, चरित्र निर्माण करने वाली संस्था है। यहाँ पर चरित्रवान लोग ही काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो पति काम कर रहा है या मेरी जो पत्नी काम कर रही है, स्वाभाविक है कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो चरित्र निर्माण का काम होगा, इसके अंदर कोई डीमेरिट नहीं होगी। लेकिन उसका बहुत सारे लोग उस चेहरे को उड़ करके काम भी करते हैं। हमें उन लोगों से भी सावधान रहना साथियों, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। एक गोबर का गोबड़ीला होता है और एक भौरा होता है। भौरा और गोबर का गुबड़ीला दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। दोनों जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से निकलने वाली आवाज भी एक जैसी होती है। लेकिन पहचान कब होती है कि जो गुबड़ीला होता है वो गोबर के ऊपर बैठ जाता है और जो भौरा होता है वो फूल के ऊपर बैठ जाता है, पहचान उससे होती है। मैक्सिमम साथी आचरण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमको किसी की भी जो अगर पहचान करनी है तो उसके आचरण से करनी पड़ेगी। अगर हमारा आचरण ठीक है तो फिर वहीं पर हमें पहचान करनी पड़ेगी, नहीं बहुत सारे गुबड़ीले साथियों इस देश में इस बहुजन समाज के बीच में विचरण कर रहे हैं जो भौरे की तरह आवाज निकाल रहे हैं। हमें उन सभी से सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सारे संगठन इस देश में काम कर रहे हैं इस नाम से। हमारे साथी ने भी क्वेश्चन उठाया था, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। हमारे अंदर जिनके अंदर करैक्टर की बात नहीं है, चरित्र निर्माण की बात नहीं है, वो इस देश में सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। जिनका अपना कोई करैक्टर नहीं है, अपना कोई चरित्र नहीं है, कई बार तो बाबा साहब के चरित्र के ऊपर उंगली भी उठाई गई। पिछली बार मेरे को शर्म आती है उन लोगों से, ऐसे लोगों के साथ काम करते हुए लोग मैंने देखा है। साथियों इसीलिए इस देश में सामाजिक व्यवस्था को अगर हमने जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, हमें खत्म करना है तो सबसे पहले हमें अपने जाति के जो बैरियर हैं इनसे बाहर आना पड़ेगा और जाति के संगठन के जो लीडर हैं साथियों उनको कहीं ना कहीं हमें शीशा दिखाना पड़ेगा। अगर वो जाने अनजाने में काम कर रहे हैं, नो डाउट उनको आज नहीं तो कल नहीं परसों, क्योंकि कोई भी संगठन साथियों उसके फॉलोअर्स के हिसाब से लोग आंकते हैं, लेकिन संगठन हमेशा उद्देश्यों, उसके थॉट, उसके एम एम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मापना चाहिए। उसके लोग कितने लोग उसको मानने वाले हैं, कितने लोग उसके साथ लगने वाले हैं। 1949 की सर्वे की रिपोर्ट है कि 10% शेड्यूल कास्ट के लोग ये मानते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लीडर हैं। 90% शेड्यूल कास्ट ये मानते थे कि गांधी हमारा नेता है। लेकिन क्या ये फैक्ट है? फैक्ट नहीं है। जैसे जैसे समाज के अंदर जागरूकता बढ़ती है, लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, वैसी लोगों की सोच बनती है, उसी हिसाब से आपकी ओपिनियन बनेगी। और अगर हमने ये फैक्ट है, जब आज भी इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन गवर्निंग क्लास एक ही है इस देश में, वो है ब्राह्मण। और कोई भी बन जाए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का क्यों ना मंत्री संतरी बन जाए, वो भी ब्राह्मण हित की बात करेगा, क्योंकि गवर्निंग क्लास ब्राह्मण है। और जब तक आपकी इस देश में ब्राह्मण गवर्निंग क्लास ब्राह्मण है, आपका कोई भी मंत्री बन जाए वो आपके हित की बात नहीं करेगा। सुबह के फर्स्ट सेशन में मैंने ये बात रखी, वो भी हिंदू राजनीति की बात करेगा साथियों। इसीलिए आप सभी से, क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हैं साथियों, मैं अगले कल सेशन में इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर, बुद्धिजीवी वर्ग का हमारा सेशन, उसके ऊपर मैं बात दूंगा।